आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है अजमेर जंक्शन से चलकर केएसआर बेंगलुरु सिटी तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गरीब नवाज एक्सप्रेस के बारे में। इस ट्रेन की पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों, ट्रेन नंबर 16531 अजमेर जंक्शन से खुलकर केएसआर बेंगलुरु सिटी तक जाने वाली गरीब नवाज साप्ताहिक एक्सप्रेस। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन 5 राज्यों से होकर अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य शामिल है। यह ट्रेन अजमेर से बेंगलुरु तक की अपनी कुल रेल यात्रा 2215 किलोमीटर को तय करती है लगभग 44 घंटे और 15 मिनट में। कई रूटों पर इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड रहती है वो रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक वीकली ट्रेन है, जो हर सोमवार को अजमेर जंक्शन से खुलकर हर बुधवार को केएसआर बेंगलुरु सिटी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में यह ट्रेन 34 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ जाती है, और यह एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जो जोधपुर बेंगलुरु, यशवंतपुर पांडुचेरी और गांधीधाम बेंगलुरु ट्रेन के साथ अपने रेट भी शेयर करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें एलएचबी कैटेगरी के 5 तरह के कोच लगते हैं, जिसमें एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य जनरल क्लास के कोच लगते हैं। अजमेर से बेंगलुरु तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी क्लास का किराया रहता है 5,265 रुपए, सेकेंड एसी का जो किराया रहता है वो रहता है 3,085 रुपए, थर्ड एसी का जो किराया रहता है वो रहता है 2,110 रुपए, स्लीपर का किराया रहता है 800 रुपए और सामान्य जनरल क्लास का जो किराया रहता है वो रहता है 435 रुपए के आसपास का। इस किराए में सभी प्रकार के चार्जेस शामिल है, परंतु यात्रा से पूर्व इसे जांचना भी आवश्यक है। भोजन संबंधित सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज अलग से देना होता है। इसके अलावा ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन को अजमेर से हुबली जंक्शन तक बीजेकेटी लोको शेड का WDP4, WDP4B या फिर WDP4D इनमें से एक डीजल इंजन लेकर जाता है, और हुबली से बेंगलुरु तक इसे LGD लोको शेड का या फिर RPM लोको शेड का Web 7 इलेक्ट्रिक इंजन लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस गरीब नवाज एक्सप्रेस के हम बीच के सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, अजमेर से केएसआर बेंगलुरु सिटी तक जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस हर सोमवार को सुबह के 6:15 पर राजस्थान के अजमेर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, अजमेर जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है ब्यावर। सुबह के 6:55 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 6:57 पर यह ट्रेन ब्यावर से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मारवाड़ जंक्शन सुबह के 8:03 पर, और 8:08 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फालना सुबह के 8:51 पर, और 8:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आबू रोड सुबह के 10:15 पर, और 10:25 पर यह ट्रेन आबू रोड से भी रवाना हो जाती है, इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के पालनपुर जंक्शन में सुबह के 11:18 पर, और 11:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मेहसाणा जंक्शन दोपहर के 12:10 पर, और 12:12 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है अहमदाबाद जंक्शन दोपहर के 1:55 पर यह ट्रेन पहुंचती है अहमदाबाद जंक्शन, और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 2:05 पर यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन से भी रवाना हो जाती है।
यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 490 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नडियाद जंक्शन दोपहर के 2:49 पर और 2:51 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आनंद जंक्शन दोपहर के 3:04 पर और 3:06 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन दोपहर के 3:40 पर और 3:50 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरत शाम के 5:30 पर और 5:40 पर यह ट्रेन सूरत से भी रवाना हो जाती है और इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ शाम के 6:50 पर और 6:52 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वापी शाम के 7:33 पर और 7:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के वसई रोड में रात के 9:25 पर और 9:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भिवंडी रोड रात के 10:03 पर और 10:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन रात के 10:42 पर और 10:45 पर यह ट्रेन कल्याण जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। कल्याण तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 980 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पुणे जंक्शन रात के 1:45 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:50 पर यह ट्रेन पुणे जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सतारा सुबह के 4:47 पर और 4:50 पर यह ट्रेन सतारा से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कराड़ सुबह के 5:47 पर और 5:50 पर यह ट्रेन कराड़ से भी रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सांगली सुबह के 6:57 पर और सुबह के 7 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मीरज जंक्शन सुबह के 7:45 पर और 7:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के बेलगावी में सुबह के 10:05 पर और 10:10 पर यह ट्रेन बेलगावी से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है लोंडा जंक्शन सुबह के 11:03 पर और 11:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है धारवाड़ दोपहर के 12:24 पर और 12:26 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन में दोपहर के 2 बजे और 2:10 पर यह ट्रेन हुबली जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों यहां तक यह ट्रेन 1675 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहां पर दोस्तों इस ट्रेन का लोको भी चेंज होता है, इसमें डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गदग जंक्शन दोपहर के 3:03 पर और 3:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोप्पल दोपहर के 3:48 पर और 3:50 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है होसपेटे जंक्शन शाम के 4:20 पर और 4:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बल्लारी जंक्शन शाम के 6:25 पर और 6:30 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है आंध्र प्रदेश के गुंतकल जंक्शन में शाम के 7:25 पर और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अनंतपुर रात के 8:53 पर और 8:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है धर्मवरम जंक्शन रात के 9:40 पर और 9:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हिंदूपुर रात के 12:01 पर और 12:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कर्नाटका के यशवंतपुर जंक्शन में रात के 1:53 पर और 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन। रात के 2:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है बेंगलुरु सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2215 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है।
तो दोस्तों ये थी अजमेर जंक्शन से चलकर केएसआर बेंगलुरु सिटी तक जाने वाली गरीब नवाज एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक में शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।